दोस्तों डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय बीएड फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर आप पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं, लेकिन जो हिंदी में जिन बच्चों को पेपर देना होता है उनके लिए इजली लेसन प्लान हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, अनसॉल्व अवेलेबल होता है। लेकिन जिन बच्चों को इंग्लिश में पेपर देना होता है उनके लिए नोट्स बहुत हार्डली अवेलेबल होता है, इवन सीरीज भी बहुत मुश्किल से मिलती है और लेसन प्लान भी बहुत मुश्किल से अवेलेबल होता है, इवन यूट्यूब पर भी। तो हम इस चैनल पर हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंग्लिश में सॉल्व करा देंगे और स्पेशली जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका लेसन प्लान इंग्लिश में भी बना के इस वीडियो पे इस चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन से टॉपिक पे और कौन से सब्जेक्ट्स का इंग्लिश में लेसन प्लान बनाना है, उस पे बना दिया जाएगा और हिंदी में भी बना दिया जाएगा। इस वीडियो में हम क्या बनाने जा रहे हैं, इस वीडियो में हम इंग्लिश का एक लेसन प्लान बनाने जाएंगे, ग्रामर का पार्ट, ग्रामर पार्ट होगा और हम नाउन पे टॉपिक बनाएंगे, ठीक है। नाउन टॉपिक पे एक लेसन प्लान इसमें देखने जा रहे हैं। एग्जाम्स में एक लेसन प्लान तो आपको आता ही है, तो कैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये लेसन प्लान बनाना है आप इसे देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, इंग्लिश का लेसन प्लान बनाते हैं ग्रामर नाउन टॉपिक पे। ओके सो लेट स्टार्ट द वीडियो। ओके दोस्तों, तो आपको सबसे पहले इंग्लिश के लेसन प्लान में आपको हर चीज़ इंग्लिश में ही लिखना है। ओके आपने ऊपर लेसन प्लान लिख दिया और इस तरह के बॉक्स बना दिए। ये बॉक्स बनाना बहुत ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो ऐसे सीरियल वाइज भी लिख सकते हैं। ओके देखिए, तो आपने यहाँ पे डेट लिख दिया, क्लास, सेक्शंस, एग्जाम्स में जो क्लास कहा जाएगा, अगर 8 कहा जाएगा तो 8, 9 कहा जाए तो 9, 7 कहा जाए तो 7, यहाँ पे लिख देना है। और सेक्शन ए या बी आप अपने हिसाब से जो चाहे लिख सकते हैं। उसके बाद आपने सब्जेक्ट इंग्लिश रखना है, आप चाहें तो इंग्लिश ग्रामर भी कह सकते हैं, अगर एग्जाम्स में इंग्लिश ग्रामर करके आता है तो इंग्लिश ग्रामर भी लिख सकते हैं, और इंग्लिश लिखते हैं तब भी ये गलत नहीं होगा। आपका पीरियड कौन सा है, चाहे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जो भी चाहे आप बना सकते हैं। टाइमिंग अगर पेपर में मेंशन है तो वो टाइमिंग लिखिए, अदरवाइज 35 या 40 मिनट आप लिख सकते हैं। नीचे स्कूल, नेम ऑफ स्कूल, आप डॉट 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 छोड़ सकते हैं, अगर कोई स्कूल का नाम लिखना चाहे तो लिख दीजिए। नेम ऑफ टीचर एंड ट्रेनिंग, आप इसको डॉट डॉट ही रखिएगा, इसमें अपना नाम मत लिखिएगा। ओके अब बात करते हैं टॉपिक हमारा क्या है। आज के इस टॉपिक पे हम नाउन पढ़ने वाले हैं, बच्चों को नाउन पढ़ाने वाले हैं। तो उसके नीचे आपको जस्ट एक जनरल एम्स देना होता है। जनरल एम्स में बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने के क्या फ़ायदे होंगे, क्या एम्स मिलेगा उन्हें, क्या उद्देश्य मिलेगा, लेट्स गेट स्टार्टेड वीडियो गाइस। सो फर्स्ट जनरल एम क्या था, टू अनेबल द स्टूडेंट टू रीड एंड राइट इंग्लिश करेक्टली, टू अनेबल द स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है आप देख लीजिएगा, टू अनेबल द स्टूडेंट टू प्रोनाउंस इंग्लिश वर्ड करेक्टली, टू डेवलप इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इन इंग्लिश सब्जेक्ट, टू मेक स्टूडेंट अवेयर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ओके मुझे लगता है कि इसको हिंदी में बताने की जरूरत नहीं है कि बच्चों को अंग्रेजी सही पढ़ने और लिखने के योग्य बनाने के लिए, और बच्चों को इंग्लिश के वर्ड्स सही से प्रोनाउंस करने के लिए, और बच्चों में इंग्लिश के प्रति रुचि जागरूक करने के लिए, और बच्चों को इंग्लिश भाषा के बारे में अवगत या अवेयर कराने के लिए। तो एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, ऑब्वियसली आप इंग्लिश के पेपर देने जा रहे हैं, यू मस्ट बी फैमिलियर विद ऑल दिस थिंग्स। तो स्पेसिफिक एम्स का मतलब होता है कि जो आप स्पेसिफिक नॉलेज, जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उससे बच्चों को क्या फ़ायदा होगा। तो इसमें तीन कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर होते हैं। यहाँ पर नॉलेजेबल, अफेक्टिव, यहाँ पर एक्टिविटी भी कहते हैं, बट ये ब्लूम्स वर्गीकरण के हिसाब से कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, ये तीन एम्स आपको लिखने हैं स्पेसिफिक में। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो आप बस ये भी लिख सकते हैं, अगर टाइम बचे तब ये सब लिखिएगा, अदरवाइज केवल ये पॉइंट लिख सकते हैं, वो भी 3 से 4। तो नाउन पढ़ाने का बच्चों का क्या फ़ायदा है, कॉग्निटिव इज़ ऑल अबाउट द नॉलेज, तो टू एनेबल द स्टूडेंट टू रिकग्नाइज नाउन, टू अनेबल स्टूडेंट टू नो पार्ट्स ऑफ नाउन, अफेक्टिव मतलब उन्हें क्या समझ आएगा, टू अनेबल द स्टूडेंट टू गेट इंटरेस्ट इन नाउन, टू अनेबल द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ नाउन, अंडरस्टैंड यहाँ समझने की बात है। साइकोमोटर का मतलब ये होता है कि ये क्रियात्मक पक्ष को दिखाता है, क्योंकि क्रियात्मक पक्ष का कौन सा उद्देश्य आपको प्राप्त होगा, तो टू अनेबल द स्टूडेंट टू यूज़ नाउन करेक्टली, बच्चे इस्तेमाल करेंगे, ये क्रिया हो गया, वो कैसे नाउन का सही से इस्तेमाल करेंगे। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक टीचिंग मैथड। सो द टू टीचिंग मैथड वी आर गोइंग टू यूज़ इन दिस लेसन प्लान, द फर्स्ट वन इज क्वेश्चन आंसर मेथड एंड द सेकेंड वन इज लेक्चर मेथड। अब टीचिंग एड्स, टीचिंग एड्स का मतलब वही सहायक सामग्री। सो तो टीचिंग एड्स में क्या हो सकता है भाई, चाक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, चार्ट, पॉइंटर, और हम नाउन पढ़ा रहे हैं तो सम पिक्चर्स और नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि हम नाउन पढ़ा रहे हैं। सो उसके बाद हम लिखेंगे प्रीवियस नॉलेज, बच्चों को प्रीवियस नॉलेज क्या है, स्टूडेंट्स आर फैमिलियर विद द बेसिक ग्रामर एंड नाउन। ओके
तो ये हो गया हमारा प्रीवियस नॉलेज। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंट्रोडक्शंस। इंट्रोडक्शंस में क्या होता है दोस्तों, इसमें हमें टॉपिक्स बच्चों से निकलवाने होते हैं और वहाँ से फिर हमें अपना पढ़ाई शुरू करना होता है। तो इंट्रोडक्शंस में हमने ऐसे कॉलम बनानी है, सीरियल नंबर, टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट रिस्पॉन्स। द फर्स्ट वन इज व्हाट इज द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आप चाहे तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम्स कैप्टन, या फिर कोई भी बच्चों से आप यहाँ पे नाम लिखवाना है किसी भी पर्सन का नाम। इधर आप ये भी लिख सकते हैं व्हाट इज योर नेम, आप ये भी लिख सकते हो हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। तो मतलब कोई भी आप यहाँ पे पर्सन रख सकते हैं। तो मैंने लिखा व्हाट इज द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बच्चों ने क्या रिस्पॉन्स किया, मिस्टर नरेंद्र मोदी। फिर आपने दूसरा क्वेश्चन व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूपी, बच्चों ने कहा लखनऊ। तीसरा क्वेश्चन व्हाट डू यू यूज टू राइट एनीथिंग, बच्चों ने कहा पेन। सो व्हाट इज मिस्टर मोदी लखनऊ एंड पेन हियर, आप ये भी लिख सकते हैं कि व्हाट इज मिस्टर मोदी लखनऊ पेन आर एग्जांपल्स ऑफ, ठीक है, आर एग्जांपल्स ऑफ, यहाँ इज नहीं आर रहेगा दोस्तों क्योंकि यहाँ पे तीन चीज़ें हैं। तो आर व्हाट आर मिस्टर नरेंद्र मोदी आर हियर, ओके। तो बच्चों ने कहा कि ये नाउन है, या फिर यहाँ पे आप लिखते हैं कि व्हाट आर मिस्टर मोदी लखनऊ पेन आर एग्जांपल्स ऑफ, तो बच्चे कहेंगे ये नाउन की एग्जांपल्स हैं। तो फिर आप बच्चों से पूछेंगे व्हाट इज़ नाउन एक्सप्लेन, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन यहाँ से आपके निकल के आ गए। बच्चों को हम इस टॉपिक स्टेटमेंट देंगे, स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक, डियर स्टूडेंट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नाउन एंड इट्स टाइप्स, ओके। तो हमने बच्चों से ये कह दिया। अब यहाँ से हमें प्रेजेंटेशन शुरू करना है। तो प्रेजेंटेशन शुरू के लिए कि सबसे पहले आपको ऐसा कॉलम बना लेना है दोस्तों, इसमें तो कॉलम बनाना ही पड़ेगा, ठीक है, इसमें आपको कॉलम बनाना पड़ेगा। तो इसमें हमने कॉलम बना लिया, फिर हमने एक तरफ टीचिंग पॉइंट लिख दिया, टीचर्स एक्टिविटी लिख दिया, स्टूडेंट रिस्पॉन्स, टीचिंग मेथड और ब्लैक बोर्ड वर्क्स, ठीक है, ऐसा बना लिया हमने। तो प्रेजेंटेशन में हम शुरू क्या करते हैं भाई, नाउन पढ़ाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने टीचर में, टीचिंग पॉइंट में नाउन लिख दिया और नीचे डेफिनेशन, हमने बच्चों को डेफिनेशन बताया। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, ठीक है। फिर स्टूडेंट रिस्पॉन्स क्या करेंगे, स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली, और ये हम कौन से मेथड से पढ़ा रहे हैं, लेक्चर मेथड से, ठीक है, ब्लैक बोर्ड वर्क में खाली रहेगा, ओके। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, हम कुछ एग्जाम्पल्स देंगे। एग्जाम्पल्स में आप ध्यान से देखिए, पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स, समझ आ गई बात, पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स, इसके कुछ एग्जांपल्स देना है आपको। ये छोड़ दीजिए, ये क्या एग्जांपल है भूल जाइए, एक पर्सन, किसी भी अपने दो दोस्तों के नाम लिख दीजिए, एनिमल किसी भी, इसमें भी दो दोस्तों के नाम लिख दीजिए, इस ओके, प्लेस किसी भी जगह का नाम, दो दोस्त जो जगह के नाम लिख दीजिए, और थिंग्स में आप कोई दो ऑब्जेक्ट्स के नाम लिख दीजिए, ओके। अब बात करते हैं स्टूडेंट विल लिसन एंड कॉपी केयरफुली, ओके, स्टूडेंट विल लिसन एंड कॉपी केयरफुली, मेथड क्या है, लेक्चर मेथड, हाँ। और जो आप एग्जांपल्स यहाँ लिख रहे हैं वही ब्लैक बोर्ड पे काम हो जाएगा, वही एग्जांपल्स ब्लैक बोर्ड पे आप चिपका देंगे। सो बच्चों से फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, कि बच्चों को समझ में आया है या नहीं, ओके। तो बच्चों से हमने यहाँ प्रश्न पूछ लिया, गिव थ्री एग्जांपल्स ऑफ नाउन, तो बच्चे क्या करेंगे, स्टूडेंट विल रिप्लाई जेन, निकी, लखनऊ, मतलब जो भी उनके तीन एग्जांपल्स हो वो रिप्लाई करेंगे, ओके। ये क्या हो गया भाई, हमने क्वेश्चन किया, तो ये कौन सा मेथड हो गया, क्वेश्चन आंसर मेथड, समझ आ रही बात, बहुत ईजी ईजी मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। तो फिर अब हम क्या करते हैं, नाउन्स तो हमने पढ़ा दिया, नाउन के एग्जाम्पल्स भी दे दिए हमने, बच्चों के बारे में नाउन से क्वेश्चंस भी कर लिया। अब नाउन्स के टाइप्स पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। तो नाउन के टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन, काउंटेबल, नॉन काउंटेबल, कलेक्टिव, कंपाउंड, हमने नाउन के टाइप्स लिख दिए। स्टूडेंट क्या करेंगे भाई, स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली एंड नोट ऑन कॉपी, ठीक है, ये कौन सा मेथड होगा, लेक्चर मेथड। और फिर जो हमने टाइप्स ऑफ नाउन लिखा है उसको भी ब्लैक बोर्ड वर्क पे हम यहाँ पे लिख देंगे, ओके। तो प्रॉपर नाउन का क्या होता है, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ विच रेफर ओनली टू अ सिंगल पर्सन, प्लेस और थिंग, देर इज़ नो कॉमन नेम फॉर इट, इट इज रिटेन इन रिटेन इंग्लिश, अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर्स। थोड़ा सा समझा देते हैं, प्रॉपर नाउन का हमने यहाँ पर क्या लिखा है, एक प्रॉपर नाउन किसी ऐसी चीज़ का नाम है जो सिंगल को दर्शाता है, वो सिंगल प्लेस, सिंगल थिंग्स, सिंगल मैन को दर्शाता है, मतलब उसके जैसा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। और ये हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल से शुरू होता है, कैपिटल से शुरू होता है। एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया, दुनिया में इंडिया बस एक ही चीज़ हो सकता है, वो इंडिया हमारा देश, दूसरा कोई नहीं। ये एक ऐसे देश का नाम है जो बस एक हो सकता है, इसके अलावा कोई नहीं। जैसे किसी कंट्री का नाम क्या हो गया भाई, ये प्रॉपर नाउन हो गया। तो आपने एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया और एग्जांपल यहाँ पे भी लिख दिया, ओके। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉमन नाउन की। तो कॉमन नाउन का मतलब देखिए, कॉमन नाउन में क्या है कि
अ कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग विच इज कॉमन फॉर मेनी थिंग्स पर्सन और प्लेस। देखिए आप अगर इंग्लिश में दे रहे हैं ऑब्वियसली आपको इंग्लिश में मुझसे ज़्यादा नॉलेज होगा, तो कॉमन नाउन में समझ जाइए कि कॉमन नाउन मतलब क्या होता है। कॉमन नाउन एक ऐसी चीज़ है जो समानता को दर्शाता है कई चीज़ों के समझ, जैसे कि मैं कह दूँ देश, तो देश इंडिया भी देश हो सकता है, बांग्लादेश भी देश हो सकता है, श्रीलंका भी देश हो, तो ये जो देश कहना है, कंट्री कहना है, ये क्या हो गया भाई, कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, इंडिया वाले भी कह सकते हैं कि इंडिया इज माई कंट्री, वो भी कहते हैं माई कंट्री, तो कंट्री कई लोगों के लिए यूज़ किया जाता है, ये कॉमन नाउन में हो गया। स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली एंड नोट ऑन कॉपी, लेक्चर मेथड और एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट क्या है भाई, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब, एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ वर्ड ऑफ फॉर समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन बट देयर बट इज देयर। अब क्या मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब कोई ऐसी चीज जिसको आप देख तो नहीं सकते मगर एग्जिस्ट करता है। अब जनरली इट रेफर्स टू आइडियाज, क्वालिटीज और कंडीशंस, तो आइडिया को कोई देख नहीं सकता मगर ये चीज़ें भी होती हैं, तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन में हो गया। इसके एग्जाम्पल आप ब्लैक बोर्ड वर्क पे लिख लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है भाई, द नाउन दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन, वो ऐसे नाउन जिनको गिना जा सके। तो और क्या होता है, काउंटेबल नाउन कैन टेक एन आर्टिकल, और इन काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल्स यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि चेयर अ चेयर, टेबल अ टेबल, बैट अ बैट, अ बॉल, सो ए एन और द का यूज़ किया जा सकता है। सो काउंटेबल नाउन का मतलब द नाउन दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड एज ए काउंटेबल नाउन। समझ आ गए दोस्तों? देखिए ये चीज़ें तो आपको इंग्लिश के ग्रामर्स, तो ऑब्वियसली आपको ये सारी चीज़ें इजीली पता होंगी, बट बहुत शॉर्ट में मैंने बता दिया आपको। स्टूडेंट क्या करेंगे भाई, स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली एंड नोट ऑन कॉपी, लेक्चर मेथड हो गया, काउंटेबल के हमने एग्जांपल्स दे दिए। नेक्स्ट कम टू द नॉन काउंटेबल नाउन। नॉन काउंटेबल नाउन का मतलब द नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड एन नॉन काउंटेबल। वाटर, वाटर को काउंट नहीं किया सकता, शुगर को भी काउंट नहीं किया, ऑयल सॉल्ट को भी काउंट नहीं किया जा सकता। तो स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली एंड नोट ऑन कॉपी, लेक्चर मेथड, और हमने एग्जाम्पल्स यहाँ लिख दिया। ओके दोस्तों, देखिए लास्ट और दो टॉपिक्स कौन से बचे हैं भाई, कलेक्टिव नाउन और कंपाउंड नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब, अ कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड फॉर ग्रुप, मतलब एक ग्रुप का ना, ये चीज़ें तो ऑब्वियस सी बात है। तो कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, पीपल आर एनिमल। ओके, एग्जाम्पल फैमिली, फैमिली जब हम कहेंगे तो एक ग्रुप की बात होगी, जब हम टीम कहेंगे तो एक ग्रुप की बात होगी, जब हम जूरी, जैसे ना पांच जजों की एक बेंच, तो इसको जूरी कहते हैं, तो जूरी क्या हो गया भाई, एक ग्रुप की बात हो गई, तो ये कलेक्टिव नाउन हो गया। स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली एंड नोट ऑन कॉपी, लेक्चर मेथड, और एग्जाम्पल हमने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन का मतलब, समथिंग टू और थ्री नाउन्स अपीयर टुगेदर और इवन विद अदर पार्ट्स ऑफ बीच, मतलब कभी कभी कुछ ऐसा सेंटेंस जहां पे दो या दो से अधिक नाउन एक साथ आ जाते हो, तो इसको कंपाउंड नाउन कहते हैं। एग्जांपल सिक्स पैक, सिक्स फाइव इयर्स ओल्ड एंड सन इन लॉ, स्नोबॉल एंड मेलबॉक्स, एग्जाम्पल्स हमने यहाँ लिख दिया। बस खत्म हो गया आपके नाउन का टॉपिक्स, यहाँ पे खत्म हो गया, हमने बच्चों को पढ़ा दिया। अब हम जनरल थोड़ा सा चेक कर लेंगे कि बच्चों को कितना समझ में आया और कितना पढ़े। ये हर एक लेसन प्लान के लास्ट में ये चीज़ें करनी होती हैं, इसमें हम नॉलेजेबल क्वेश्चन करते हैं बच्चों से। तो हमने कह दिया व्हाट डू यू मीन बाय नाउन, इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन कर लिया, राइट फाइव एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन, वो भी हो गया, और एग्जामिन वर्क, एग्जामिन वर्क का मतलब द टीचर विल एग्जामिन इन ऑल ओवर द क्लास, यहाँ पे लिख दीजिएगा ऑल ओवर अ क्लास, That student has noted down the blackboard work or not, ठीक है, तो हमने वो कर लिया। होमवर्क में what are the types of noun with the suitable examples, हमने होमवर्क दे दिया। टीचर सिग्नेचर लिखना है बस, यहाँ पे सिग्नेचर करना नहीं है, ठीक है, यहाँ सिग्नेचर करना नहीं है। तो दोस्तों सिंपल सी बात क्या थी, देखिए नाउन के हमने प्रकरण में क्या किया, नाउन के टॉपिक में हमने क्या किया, ये चीज़ें तो बहुत कॉमन है, ठीक है, इस पर ये जनरल एम्स तो बहुत कॉमन है, आपको इजीली लिखना है। कलेक्टिव नाउन में आपको बिल्कुल रटना नहीं है, जो देखिए कोई जरूरी नहीं कि एज इट इज सेंटेंस, नहीं बाहर में जाइए सेंटेंस, एज इट इज नहीं लिखना, आप समझ जाइए कि कॉग्निटिव में क्या होता है, उनको नॉलेज जो मिलेगा हम दो नॉलेज लिख देंगे। स्टूडेंट विल रिकॉग्नाइज नाउन, स्टूडेंट विल नो अबाउट द पार्ट्स ऑफ नाउन। अफेक्टिव में बच्चे समझेंगे क्या, तो नाउन समझेंगे, नाउन के पार्ट समझेंगे, बात खत्म। साइकोमोटर का मतलब बच्चे क्या करेंगे, तो नाउन को सही से यूज करेंगे, ठीक है। अब टीचिंग मेथड में लेक्चर मेथड और क्वेश्चन आंसर मेथड, और टीचिंग एड्स में जो दिमाग में आए, डस्टर, चॉक, पॉइंटर, पेन, पेंसिल, चार्ट, जो भी आए आप यहाँ पे टीचिंग एड्स मतलब सहायक सामग्री। और प्रीवियस नॉलेज में बड़ा सिंपल सी बात है कि बच्चों को नाउन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, मतलब स्टूडेंट आर फैमिलियर विद द बेसिक ग्रामर एंड नाउन, बात खत्म हो गई।
एक्टिविटी आप अपने तरीके से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे कोई भी नाम पूछिए तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके देखिए और अपने तरीके से भी निकाल सकते हैं। ओके दोस्तों, बाकी ये कॉलम बना लीजिएगा और कॉलम में जो भी आपको पढ़ाना है इधर पॉइंट लिखिए, इधर पढ़ाने वाला, और बच्चे क्या करेंगे मोस्टली तो वो लिखते हैं, सुनते ध्यान से और लिखते हैं। और लेक्चर मेथड, जब आप क्वेश्चन करिएगा तो क्वेश्चन आंसर मेथड, और हाँ जैसे जो एग्जाम्पल्स या चार्ट आप बनाइएगा उसको यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे वर्क पे दिखा दीजिएगा। बस ये करके जितना भी आपको पढ़ाना है करके, और लास्ट में आपको ये पॉइंट्स, एक नॉलेजेबल क्वेश्चन, एक मूल्यांकन का क्वेश्चन, और आप ये तो कॉमन रहेगा कि घूम में देखेंगे कि बच्चे ने काम किया कि नहीं, और एक होमवर्क दे देंगे। तो इस तरीके से आपको बनाना है हर एक टॉपिक पे। अब रही बात मैथ और भी जो विषय हैं जिनको इंग्लिश में एग्जाम देना है उनके भी लेसन प्लान बन जाएगा, तो प्लीज़ आपसे क्या रिक्वेस्ट है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पे जुड़ जाइए और भी जो भी लेसन प्लान्स हो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिए कि ये लेसन प्लान आपको कैसा लगा दोस्तों, क्या चीज़ें समझ में आई या नहीं, और कहाँ रहेगी ये मैं उसे कहाँ और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई रियली होप दैट यू विल डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड विल बी कनेक्टेड विद अस, सो बी द पार्ट ऑफ दिस चैनल। थैंक यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, सी इन द कमेंट बॉक्स। अपना खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।